सॉइल न्यूट्रिशन के ऊपर काम कर रहे हैं अपने खेतों में, मतलब आप खादें डाल रहे हैं या कोई ऑर्गेनिक चीज़ें पड़ रही हैं नीचे, तो इसके बारे में भी आप लोगों को बहुत ज़रूरी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी खादें पड़नी चाहिए इस वक्त और उसका क्या रोल रहेगा आपके आने वाले सीज़न में। मेरा नाम विकास रोहता है और मैं बायर के लिए सेल्स और जो मार्केटिंग ऑपरेशंस है वो ये जो ठेऊ से लेकर रोडू तक जितनी भी जो ये बेल्ट आती है इसमें देखता हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि आपको सबसे पहले जितनी भी हमारी खेती है सेब की वो बहुत ही ज़्यादा कम्पिटेटिव हो गई है, बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक हो गई है, धीरे धीरे करके हम आपको चेंजेस आने पड़ेंगे। जैसे मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि WTO अग्रीमेंट्स अगर साइन होते हैं तो बाहर से जो इंपोर्ट होके सेब आएगा, अभी जो सेब हमारा मेरे ख्याल से जो टॉप क्वालिटी का हमारा सेब होता है मेरे ख्याल 60-70 रुपीज़ के आसपास बिक रहा है हमारा जो अपना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। एवरेज में देखा जाए तो क्योंकि हमारा पित्तू भी निकलता है, ड्रॉप निकलता है, ओले वाला भी निकल रहा है, कीड़े के खाए वाला भी निकल रहा है, तो एवरेज मिला के देखे तो मेरे ख्याल से 35-40 रुपये के आसपास हम एवरेज जो एप्पल है हमारे को जो बच रहा है लास्ट में वही मेरे ख्याल से इतना ही बच रहा है। तो WTO के अगर साइन हो जाता है तो बाहर से आने वाला जो चैलेंज है उसके लिए हमारे को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आप लोगों को पता ही होगा कि 7-8 मेट्रिक टन के आसपास हमारी प्रोडक्टिविटी है हिमाचल की, कश्मीर की मेरे ख्याल से 9-10 के आसपास है, वो थोड़ी सी ज़्यादा है हमारे से प्रोडक्टिविटी जो प्रति हेक्टेयर है वो 7-10 से 11 टन के आसपास है कश्मीर की। और यूरोपियन कंट्रीज़ की जो ये प्रोडक्टिविटी है ना ये 51 मेट्रिक टन से लेकर 80 मेट्रिक टन तक है। तो इसको कम्पीट करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे को अपनी जो टेक्नोलॉजीज है, एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी हो गई, चाहे कैनोपी मैनेजमेंट हो गया, चाहे सॉइल मैनेजमेंट हो गया, इस चीज़ों के ऊपर हमारे को काम करना पड़ेगा। यूजुअली 4 चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर हम काम करें तो मे भी हम शायद जो फ्यूचर में आने वाला जो थ्रेट है उसके ऊपर हम उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें रहेगा हमारा कैनोपी मैनेजमेंट। कैनोपी मैनेजमेंट में क्या करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं है हम जितने भी फार्मर्स है बहुत ज़्यादा लैंड होल्डिंग नहीं रहती है हमारे पास, 5 बीघा एवरेज, 10 बीघा एवरेज ये लैंड होल्डिंग है। हम काट के तो एक दिन में काट के हम यहाँ पे क्लोनल रूट स्टॉक्स नहीं लगा सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को कि जो हमारे ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स है ना इन्हीं में कुछ चेंजेस लानी पड़ेगी ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और साथ में क्वालिटी भी हैम्पर ना हो, क्वालिटी भी इम्प्रूव हो। इसके लिए हम कैंप्स लगाते हैं यूजुअली, मतलब नवंबर दिसंबर में हमारे काफ़ी कैंप्स लगते थे, शायद यहाँ पे नहीं लगाए, तो उसमें हम प्रैक्टिकली आप लोगों को बताते हैं कि हमारे को कौन सी किस क्या चीज़ें हमारे को अपने प्लांट से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा क्वालिटी एक पैरामीटर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, वो है लाइट। जितनी ज़्यादा लाइट पेनिट्रेशन हमारे ऑर्चर्ड में होगी, जितना एक्सपोजर लाइट का हमारे पेड़ को मिलेगा उतना अच्छी आपकी क्वालिटी बनेगी, क्योंकि सारी चीज़ों की खाने के ऊपर निर्भर होती है। जितना ज़्यादा खाना बनेगा ना पेड़ में उतना ज़्यादा साइज भी अच्छा होगा, कलर भी तभी डेवलपमेंट आ गया। तो खाना बनेगा कैसे, क्या नाम ये लाइट के कारण, जितना ज़्यादा लाइट हमारे लीव्स के ऊपर पड़ेगा उतना ज़्यादा खाना बनेगा, जितना ज़्यादा खाना बनेगा उतनी अच्छी ये रहती है क्या नाम प्रोडक्शन रहेगी और आपका क्या नाम क्वालिटी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो हमारे को अपनी कैनोपी मैनेजमेंट करना पड़ेगा सबसे पहले, तो जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं उसमें ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स हैं। सबसे सेकेंड नंबर पर है हमारा सॉइल न्यूट्रिशन। सॉइल न्यूट्रिशन के ऊपर हमारे को बहुत बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुश्किल से 1% आदमी भी ऐसे नहीं है जो हम सॉइल टेस्टिंग करवाते हैं या लीफ एनालिसिस करवाते हैं, इसके ऊपर हमारे को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यही ही बेसिक है। अगर सॉइल हमारा ठीक नहीं होगा, अगर पीएच हमारा सॉइल का ठीक नहीं है तो हमारे को आने वाले टाइम में दिक्कत बहुत ज़्यादा आ जाएगी। सॉइल प्रोफाइल दिन प्रतिदिन हम केमिकल्स खाते जितनी भी डाल रहे हैं वो बहुत ख़राब कर रही है, तो धीरे धीरे करके हमारे को अपना जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है ना वो भी चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें भी टेक्निकल होना पड़ेगा, हमारे को मिक्स करना पड़ेगा ऑर्गेनिक और ये केमिकल्स खादों का। केमिकल्स खादे कौन कौन सी जो अभी हम डाल रहे हैं ना उसका भी अल्टरनेटिव देखने पड़ेंगे। हम यूजुअली जो 12-32-16 है आप लोगों को देखना पड़ेगा कि ये हमारे ऑर्चर्ड के हिसाब से ठीक है या नहीं है,
उसका कंटेंट आप लोगों को पता होना चाहिए, 12, 32, 16 में क्या चीज़ हम अपने ऑर्चर्ड को दे रहे हैं, यूरिया आप डाल रहे हो तो यूरिया का क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। कैल्शियम नाइट्रेट डाल रहे हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट कब डालनी चाहिए और क्या इसके कौन से मतलब इसके लाभदायक चीज़ें क्या है और नुकसानदायक चीज़ें क्या है, हर चीज़ आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें आप ईश्वर जी हैं ये यारा से रिप्रेजेंटेटिव, तो ये आपको सॉइल न्यूट्रिशन के बारे में आज बताएंगे। तीसरी चीज़ है हमारे को प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट प्रोटेक्शन का भी बहुत अहम रोल है इसकी में। मतलब आप लोगों को प्लांट प्रोटेक्शन का मतलब होता है आप जो दवाइयाँ छिड़कते हैं इसके ऊपर, चाहे कीड़ों के लिए छिड़क रहे हैं, चाहे आप इसके लिए क्या नाम फंगस के लिए छिड़क रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि एक आदमी ने स्प्रे की, दूसरा उसको देखम देखी स्प्रे करना शुरू कर लेता है, पर जो स्प्रे शेड्यूल हम फॉलो करते हैं वो सब का अलग अलग होना चाहिए, यानी बेसिक सेम रहता है पर अपने ऑर्चर्ड के हिसाब से आपको वो बनाना चाहिए कि आप अपने ऑर्चर्ड में, हो सकता है कि सामने वाले ऑर्चर्ड में माइट्स लगा हो आपके ऑर्चर्ड में नहीं हो, तो क्या ज़रूरत है माइट की स्प्रे की, आप उस चीज़ अवॉइड कर सकते हो। कम से कम स्प्रे करनी चाहिए और अच्छे से अच्छा मॉलिक्यूल यूज़ होना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छा मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे तो चार स्प्रे को एक स्प्रे भी कवर कर सकती है, क्योंकि कुछ इसी तरह के मॉलिक्यूल्स भी आ रहे हैं जो एक स्प्रे करने से आपकी लगभग जितनी भी हमारी सेब की बीमारी या सेब के फंगस है उनको कम्प्लीटली आप लोगों को रोक सकते हैं। इसमें हमारे को क्या करना पड़ेगा कि जितने भी इंसेक्टिसाइड्स आप लोग यूज़ करते हो वो आपको नीड बेस्ड यूज़ करनी चाहिए, मतलब प्रोटेक्टिव नहीं जाना कभी भी इंसेक्टिसाइड में कि आज हमें ये कर लेता हूँ चलो बाद में ये चीज़ नहीं आएगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे आप माइट के लिए कर रहे हैं, चाहे आप सुंडी के लिए कर रहे हैं, चाहे आप वुली एफिड्स के लिए कर रहे हैं, तभी करनी है अगर आपको ज़रूरत लगती है कि ये मेरे ऑर्चर्ड में प्रॉब्लम है, तब ये मेरे ऑर्चर्ड में प्रॉब्लम है, लास्ट ईयर भी थी, इस साल भी शायद आ सकती है, अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तभी आप लोग इंसेक्टिसाइड की स्प्रे के लिए जाओ। फंजीसाइड्स आपको थोड़ा सा नीड बेस्ड की जगह प्रोटेक्टिव जाना ज़रूरी है। प्रोटेक्टिव मतलब ये भी नहीं कि आप हर 15 दिन के बाद, जैसे गवर्नमेंट शेड्यूल में है यूजुअली वो बोलते हैं कि हर 15 दिन पे आप लोगों को करनी चाहिए, पर मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम ज़्यादा नहीं, आपको चार स्प्रेज आप लोगों को ज़रूरी रहती है, एक पिंक बर्ड पे ज़रूरी रहता है, पेटल फॉल पे ज़रूरी रहता है, उसके बाद मॉनसून के ऑनसेट पे शुरू रहता है, और एक लास्ट में जो आपका क्या नाम हार्वेस्टिंग से पहले शुरू रहता है जो शाइनिंग शोनिंग के लिए आप लोग यूज़ करते हो। तो मतलब ये चार स्प्रेज फंजीसाइड की है जो आप रेगुलरली आप मतलब टेक यूज़ कर सकते हो, क्योंकि फंजीसाइड में अगर प्रोटेक्टिव नहीं जाओगे ना आपको, क्योंकि दिखने वाली चीज़ नहीं है, कीड़ा तो आपको दिख जाता है पर फंगस आपको दिखता नहीं है, एकदम से अगर एनवायरनमेंट चेंज होता है, फेवरेबल एनवायरनमेंट आता है डिजीजेस के लिए, तो आप लोगों को फिर प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए आपको यहाँ पर प्रोटेक्टिव जाना ज़रूरी है। तो दो चीज़ें हैं, इंसेक्टिसाइड के लिए आप लोगों को नीड बेस्ड जाना है, अगर ज़रूरत है तभी स्प्रे करनी है इंसेक्टिसाइड्स की, फंजीसाइड्स की स्प्रे आप लोगों को प्रोटेक्टिव जाना है, यानी 3 से 4 स्प्रे आपको एक राउंड मतलब ये पूरी सीजन में आपको करनी चाहिए, ज़रूरी करनी चाहिए, इससे आपका क्योंकि लीफ हेल्थ अगर अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा, लीफ हेल्थ और रूट हेल्थ इन दोनों चीज़ों के ऊपर बहुत ज़रूरी है काम करना। रूट हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन आपको ज़रूरी है, लीफ हेल्थ के लिए आप लोगों को फंजीसाइड्स की स्प्रे वगैरह ये आप लोगों को प्रोटेक्टिव एज ए प्रोटेक्टिव यूज़ कर सकते हो। कोई भी मतलब जितने भी आप बड़े सारे मॉलिक्यूल है मार्केट में आपके अपने नीड बेस के हिसाब से जो भी आपको मॉलिक्यूल फिट होता है वहाँ पे आप उसको कर सकते हो। ये तीसरी चीज़ थी प्लांट प्रोटेक्शन। चौथी चीज़ है टेक्नोलॉजी। जो आप अब जो ये हमारा टाइम आ गया है, साइंस का टाइम है, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के ऊपर। हम बोलते हैं कि वो ट्रिलर्स यूज़ कर रहे हैं कुछ लोग, तो कुछ लोग गालियां भी मारते हैं कि इससे सारी जड़ें ख़राब हो जाती है, पर धीरे धीरे करके हमको शिफ्ट होना पड़ेगा इस साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के लिए। हम नोज़ल्स यूज़ करते हैं, 300 रुपए की नोज़ल भी आती है, 5,000 रुपए की नोज़ल भी आती है, पर डिफरेंस तो होगा कहीं ना कहीं, वो 5,000 की नोज़ल में कहीं ना कहीं तो डिफरेंस होगा। तो वो आप लोगों को धीरे धीरे करके जो टेक्नोलॉजी है उसको अडेप्ट करना पड़ेगा। जो ये अच्छी थोड़ी महंगी आती है, महंगी क्योंकि टेक्नोलॉजी जो भी होगी कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ेगी आपको, अच्छी चीज़ के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट पे करना ही पड़ता है, पर आप लोगों को फ़ायदा भी उतनी ही देगी। अगर वो 5,000 की नोज़ल जो आप कर रहे हैं तो आप मेरे ख्याल से करते होंगे आप लोग, काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी आप लोगों ने डिफरेंस देखा होगा कि जहाँ आपके 5 ड्रम लगते हैं शायद लगते थे वहाँ पे वो 4 ड्रम में ही सर जाता होगा काम, क्योंकि वो उसका स्प्रे करने का तरीका कुछ और है। तो ये आप लोगों को मतलब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा ताकि हम कम्पीट कर पाएंगे ये कमिंग थ्रेट्स जो है हमारे। तो ये है मतलब 4 पैरामीटर के ऊपर जहाँ हम काम कर सकते हैं। सब पांचवा भी एक पैरामीटर है, वो सबसे बड़ा मतलब हम निगलेक्ट कर जाते हैं, वो है सेफ्टी। हमारे को अपनी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे मेरे ख्याल से हिमाचल में कैंसर की तादाद ना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कैंसर पेशेंट्स की तादाद आप लोग हर गांव में या यहाँ भले ही ना हो पर मैक्सिमम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं कैंसर के पेशेंट्स। ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हमारा जो एक्सपोजर टूवर्ड्स ये केमिकल्स है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है,
तो इसके लिए हम आपको सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी ये दवाइयाँ हैं ना, भले ही हम बोलते हैं कि बहुत नॉर्मल है, ग्रीन ट्राइंगल्स वाले हैं या ब्लू ट्राइंगल्स वाले हैं, आपको नुकसानदायक नहीं, पर है तो केमिकल्स ही है ना कहीं तो अफेक्ट करेंगे ही करेंगे हमारे को। इसलिए जब भी हैंडलिंग करते हो विदाउट ग्लव्स आपको हैंडलिंग नहीं करनी है, स्प्रे करने जाते हो तो आपके गॉगल्स बिल्कुल हाथ में होने, मतलब गॉगल्स वगैरह लगा के चलो, पूरा प्रॉपरली कवर होने चाहिए आप लोग, तभी थोड़ा सा बच सकते हैं इन चीज़ों से, नहीं तो धीरे धीरे करके ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर में अफेक्ट करती करती हैं। और हिमाचल में ये मतलब अभी देखना कुछ टाइम इसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि कैंसर की जो पेशेंट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये मतलब सेफ्टी की का पूरा पूरा हमारे को ध्यान रखना चाहिए जब आप केमिकल्स हैंडल कर रहे हैं, चाहे वाइल्ड स्प्रेइंग चाहे या स्टोरेज में जहाँ भी है, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप सेफ्टी के ऊपर काम करें। तो ये मेनली एक थोड़ा ओवरव्यू था कि हम क्या कर सकते हैं अपने को धीरे धीरे करके जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको फेस करने के लिए। अब मैं बात करूँगा दो स्टेजेस के ऊपर, मेनली बात करूँगा मैं आपकी जो पिंक बर्ड स्टेज आ रही है अभी, तो आप लोगों का ग्रीन टिप शुरू हो गई है। मैं यूजुअली आप ग्रीन टिप पे मेरे ख्याल से कुछ लोग एसोस करते होंगे, समर वाइज करते होंगे, वैसे मेरे हिसाब से जो राइट टाइम है किसी भी ऑयल करने का वो हाफ इंच की लीफ स्टेज है, जब आधा इंच का हो जाता ना, ये इसलिए क्योंकि जितने भी आपको पता है तेल कैसे काम करता है, तेल की काम करने की क्या मतलब किस तरह से काम करता है तेल जब आप स्प्रे करते हो तो कैसे मारता है वो कीड़ों को, वो सफोकेट, हाँ एक फिल्म बनाएगा, सफोकेट करेगा जितनी भी रेस्पिरेशन जो जहाँ से रेस्पिरेट करता है वो उनको ब्लॉक कर देगा और डेड हो जाएगा। अब हाफ इंच लीफ स्टेज पे क्या होता है कि जितने भी माइट के अंडे हो गए, वुली एफिड के क्रॉलर्स हो गए है ना, और ये स्केल्स के क्रॉलर्स हो गए, ये क्या करते हैं कि स्केल्स भी आप लोगों को पता कि नहीं, ये अपने ऊपर एक कवच लेके सर्दियों में ओवरविंटरिंग करता है, तो इस वक्त क्या होता है वो कि वो जैसे जैसे सेफ फ्लो शुरू होता है वो भी अपने क्रॉलर्स वो शेड निकाल के, एक यूरिया जो होता है उसको निकाल के मूव करना शुरू करता है, क्रॉलर्स ऊपर को मूव करना शुरू करते हैं, ये थ्रिप्स के माइट्स के जो अंडे है वो भी फटके जो उसके निम्फ्स होते हैं वो इस टाइम निकलने शुरू हो जाते हैं, हल्के हल्के निकलने शुरू हो जाते हैं, और जो इसके क्रॉलर्स है वुली एफिड के क्रॉलर्स है ये भी जड़ों के ऊपर से जड़ों से धीरे धीरे करके अब मूव करना शुरू करते हैं ऊपर को। तो अगर आप इस वक्त स्प्रे करते हो ना किसी भी ऑयल की तो आप मैक्सिमम एक्सपोजर जो इंसेक्ट्स का है वो मिल जाता है उसको ऑयल को, और ऐसा नहीं है कि आपने स्प्रे करा ऑयल का उसके बाद उसका कोई इफेक्ट नहीं, पाँच मिनट के बाद जब एक बार सूख गया ना उसके बाद कोई और इंसेक्ट आएगा उसके ऊपर तो उसके कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा तेल का। इसलिए आपको ज़रूरत है कि आपको तब स्प्रे करो जब मैक्सिमम आपके जो इंसेक्ट्स हैं जिनको आप जिनके लिए वो स्प्रे कर रहे हो वो आपको नज़र आए, तो हाफ इंच लीव से सबसे बेस्ट रहती है। इस वक्त सारे क्रॉलर्स मूव कर रहे हैं, सब कुछ मूव कर रहा है ऊपर को, सब अपने मतलब फीडिंग के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उस वक्त अगर करते हो तो मैक्सिमम आपको कवरेज 90% कवरेज इंसेक्ट्स के ऊपर मिल जाती है। तो ये राइट स्टेज है हाफ इंच लीफ स्टेज जो आप लोगों की आने वाली है, मेरे ख्याल 3-4 दिन में मेरे ख्याल से हाफ इंच लीफ स्टेज पे आप लोग पहुंच जाएंगे शायद यहाँ पे, तो कर सकते हो उसमें तेल की स्प्रे आप कर सकते हो। हाँ समर ऑयल जो होते हैं ना, इसमें पता क्या है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसमें डिफरेंस है सिर्फ इनकी रिफाइनमेंट में। जो हम डोमेंट ऑयल यूज़ करते हैं ना, जितने भी डोमेंट ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो थोड़े से कम रिफाइंड होते हैं, जितने भी समर ऑयल्स हैं हमारे जो हम बाद में यूज़ करते हैं वो बहुत अच्छी तरह से रिफाइंड होते हैं, इसलिए उसमें कॉस्टिंग में भी डिफरेंस है, डोजेज में भी डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस सिर्फ रिफाइनमेंट का, जैसे पेट्रोल और डीजल का डिफरेंस है ना, वो भी रिफाइंड जो ज़्यादा रिफाइंड है उसी की वजह से वो डिफरेंस बनता है। इसमें भी सेम ऐसा ही है, जो ज़्यादा रिफाइंड है वो समर ऑयल जाते हैं, जो कम रिफाइंड है वो विंटर ऑयल जाते हैं, विंटर ऑयल्स हमारे उसी हिसाब से वो रिफाइंड नहीं है तो हमको क्वांटिटी भी ज़्यादा इंक्रीज़ करनी पड़ती है, 5-6 लीटर भी आप लोग यूज़ करते हो पर 200 लीटर पानी में, तो इस हिसाब से वो सिर्फ रिफाइनमेंट का फ़र्क है सिर्फ इसमें, बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। हाँ इसमें पता क्या है, अगर आप लोग करते भी हो ना कोई, मेरे हिसाब से इसका काम करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया कि क्या है ना, दोनों ने एक ही एज एन इंसेक्टिसाइड दोनों काम कर रहे हैं, तेल भी इंसेक्टिसाइड का काम कर रहा है और ये भी इंसेक्टिसाइड के काम कर, जो इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं काम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये एडिशनल कॉस्ट है आप लोगों की जो इंसेक्टिसाइड उसमें डाल रहे हो। हाँ ये हो सकता है कि अगर आप लोगों ने फिल्म्स प्रॉपर नहीं है ना बनाई हुई तब आपको इंसेक्टिसाइड काम कर जाएगा वहाँ पे, अगर आपकी प्रॉपर फिल्म बनी हुई है तब दोनों ने एक ही काम करना है, दोनों ने इंसेक्ट को ही मारना है, तो क्यों आप एडिशनल कॉस्ट ऐड कर रहे हो,
यू कैन अवॉइड, मतलब आप अवॉइड कर सकते हो उसको, कि इंसेक्टीसाइड की जो स्प्रे है उसको अवॉइड कर सकते हो। मैंने बोला कि इंसेक्टीसाइड की स्प्रे सिर्फ और सिर्फ आपकी नीड बेस्ड होनी चाहिए, बाकी इसके अलावा अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती इंसेक्टीसाइड की स्प्रेज की। अभी कभी कभी ऐसा भी मौसम चल, लास्ट ईयर का ऐसा मौसम था, सिर्फ इसमें वूल एफिड की दिक्कत आई थी लास्ट ईयर, अदरवाइज मेरे ख्याल से कोई भी इंसेक्टीसाइड की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर आपका ठंडा मौसम रहा था। ठंडे मौसम में कभी भी कोई भी इंसेक्ट नहीं पलता है, वूल एफिड को छोड़ के नहीं पलता है। तो यही एक रीज़न है कि आपको नीड बेस्ड इंसेक्टीसाइड के लिए जाना पड़ेगा, कि अगर ज़रूरत है तभी इंसेक्टीसाइड करना है, अदरवाइज आप लोग अवॉइड कर सकते हैं उन स्प्रेस को। तो इसमें तेल में भी मैं यही एडवोकेट करूंगा कि अगर आपको ज़रूरत लगता है, अगर आप प्रॉपर स्प्रे कर रहे हो, कवर कर रहे हो, तो एडिशनल कॉस्ट की ज़रूरत नहीं है। काम दोनों ने एक ही चीज़ करनी है, दोनों ने इंसेक्ट को मारना है, तो आप तेल से ही मारो उसको, ज़रूरी है इंसेक्टीसाइड डाल ही देना उसमें, तो अवॉइड कर सकते हो, आप वो खर्चा बचा सकते हो आप उसमें। फिर नेक्स्ट स्टेज आ गई आपकी पिंक बर्ड स्टेज। पिंक बर्ड स्टेज पे यूजुअली हम लोग मेरे ख्याल से कुछ न्यूट्रिएंट्स यूज़ करते हैं, जैसे बोरोन हो गया, है ना, और इसके अलावा इंसेक्टीसाइड्स यूज़ करते हैं, जैसे ये अलांटो में बोरोन के अलांटो वगैरह यूज़ कर होता है थ्रिप्स के लिए, और कुछ फंजीसाइड्स यूज़ होते हैं। मैं फंजीसाइड बताऊँगा कि मतलब क्या मेजर रीजन है। अब इस यहाँ पर मैं एक बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रूट ड्रॉपिंग का। फ्रूट ड्रॉपिंग देखी होनी है आप लोगों ने, मतलब जून में भी फ्रूट ड्रॉपिंग होती है, हार्वेस्टिंग से पहले भी फ्रूट ड्रॉपिंग होती है, तो उसके कुछ मेजर रीजंस है क्यों ड्रॉप होते हैं। यूजुअली तीन रीजंस मेजर रहते हैं। एक रीज़न, सबसे जो पहला रीज़न है वो है कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिनको हम छेड़ नहीं पाते हैं, मतलब जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ड्रॉट पड़ गया तो भी ड्रॉपिंग होती है, उसको हम मतलब कुछ नहीं कर पाते उस केस में हम, तो किसी के बारे इरीगेशन है तो वो इरीगेशन देख के थोड़ा बहुत बचा सकता है वहाँ पे, अदरवाइज हमारे पास इस रीज़न को अवॉइड करने का कोई और मतलब है नहीं हमारे पास कोई भी सोर्स। ज़्यादा बारिश होगी उसकी वजह से भी ड्रॉपिंग हो जाती है, वहाँ भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक्सेसिव क्रॉप है, इंटरनल कंपटीशन रहता है, तो वहाँ पर भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब हम असमर्थ है कुछ भी चीज़ करने को, ये मतलब एक ड्रॉपिंग का रीज़न रहता है। फिर जो दूसरा रीज़न है वो है फॉल्स पॉलिनेशन और स्यूडो पॉलिनेशन जिसको कहते हैं। इससे क्या होता है कि स्यूडो पॉलिनेशन के तीन रीजंस हैं मेनली। सबसे पहला रीज़न है कि आपके पॉलिनाइजर्स, आपके जो हमारे खेत हैं, हमारे ऑर्चर्ड्स हैं, उसमें पॉलिनाइजर्स सफिशिएंट नहीं है, यानी जो पॉलिनाइजिंग वेराइटियाँ हैं यूजुअली जो साइंटिफिकली बोलते हैं हम कि 30-33% के आसपास हमारी पॉलिनाइजिंग वेराइटी होनी चाहिए, पर हमारे खेतों में मेरे ख्याल से 10% से ऊपर किसी के भी खेत में नहीं है। तो जितना ज़्यादा पॉलिनाइजर वेराइटियाँ हमारे खेत में होगी और जितनी डिफरेंट वेराइटियाँ होगी, एक वेराइटी के ऊपर भी हम रिलायबल नहीं रह सकते, क्योंकि शायद वो सिंक्रोनाइज ना करें एक ही टाइम में, मतलब फूलने साथ में फूलने भी तो होने चाहिए पॉलिनेशन के लिए। तो इस हमारे को क्या करना है कि डिफरेंट वेराइटीज़ लेनी है, कम से कम 3-4 वेराइटियाँ ले पॉलिनाइजर वेराइटीज़ जो ले रहे हैं, और ज़्यादा नहीं हो तो एटलीस्ट 20% वेराइटीज़, 20% जो प्लांट्स हैं वो हमारे पॉलिनाइजर के होने चाहिए लगे हुए हैं। अब इससे क्या होगा कि आपका प्रॉपर पॉलिनेशन होगा। अब वो जो फॉल्स पॉलिनेशन प्रॉपर पॉलिनेशन के कारण नहीं हो रही है वो आप रोक सकते हो, ये हमारे हाथ में। अगर प्रॉपर पॉलिनाइजर्स आप लगाओगे अपने इसमें तो आप एक रीज़न, इस रीज़न को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब अवॉइड करवा सकते हैं इस रीज़न को। दूसरा है पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स यानी मधुमक्खियाँ हमारी। अगर हमारे पॉलिनेटर्स प्रॉपर नहीं है ना, तो वो पॉलिनाइजर्स को लगाने का भी कोई औचित्य नहीं है। अगर मधुमक्खियाँ ही नहीं होगी तो वो पॉलन कौन एक जगह से दूसरी जगह को ले जाएगा। तो इसलिए हमारे को कोशिश करनी चाहिए कि हर आदमी, अगर किसी के अपने बॉक्सेस है तो ठीक है, नहीं है अपने बॉक्सेस तो एटलीस्ट 1-2 बॉक्स अपने ऑर्चर्ड में ज़रूर लगाएं। ये बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि जो मधुमक्खी होती है ना, ये चूज़ी बहुत होती है, कि मतलब सपोज़ आपने लगाई हुई तो हो सकता है कि वो आपके ऑर्चर्ड में बहुत ही कम पॉलिनेशन करती हो, किसी और के ऑर्चर्ड में जाके पॉलिनेशन करती हो, क्योंकि ये बहुत चूज़ी, अगर 10 फ्लावर है एक टहनी पे, वो हो सकता है वो एक ही फ्लावर को चूज़ मतलब बैठे, 9 फ्लावर्स को नहीं टच करती है। तो इसलिए आपको जितना ज़्यादा मधुमक्खियाँ होगी ना, उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जितना ज़्यादा पॉलिनेटर्स लगाओगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें भी आप लोगों को जो मधुमक्खियों के अभाव से होने वाली ड्रॉपिंग है वो भी आपके कंट्रोल में है। पॉलिनाइजर्स भी हो गए, वो भी आपके कंट्रोल में। जितना ज़्यादा पॉलिनाइजर लगाओगे तो आप कंट्रोल कर सकते हो उस वजह से ड्रॉपिंग जो हो रही है। पॉलिनेटर्स भी आपके कंट्रोल में है, जितने ज़्यादा आप मक्खियाँ अपने ऑर्चर्ड्स में लगाओगे उतना ज़्यादा अच्छा पॉलिनेशन होगा, तो फॉल्स पॉलिनेशन कम होगी, तो जून ड्रॉप कम होगा आगे जाके। जून ड्रॉप फॉल्स पॉलिनेशन का पता लग जाता है ना आप लोगों को, जैसे जून ड्रॉप में आपका कोई भी सेब गिरा हुआ है, अगर आप काटते हो ना अंदर उसको, तो बीच से देखना उसमें जो यूजुअली 4 पॉकेट्स होते हैं
हमारे सीड के चार पॉकेट्स रहते हैं, तो क्या होता है कि या तो एक पॉकेट नहीं होगा या दो पॉकेट नहीं होंगे, भरे नहीं होंगे सीड से, तो उसको फॉल्स पॉलिनेशन बोलते हैं कि पॉलिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाया था, सीड फॉर्मेशन नहीं हो पाई, इसलिए वो जून ड्रॉप में गिर गया। तो ये इसी कारण होता है कि आपके या तो पॉलिनाइजर नहीं था या पॉलिनेटर नहीं थे। फिर तीसरा रीज़न है इसका थ्रिप्स। थ्रिप्स क्या करता है, इस जैसे अभी ये टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसमें क्या होता है कि थ्रिप्स की जो आपकी क्वांटिटी है धीरे धीरे करके इंक्रीज़ हो जाएगी, जो इनका नंबर्स है धीरे धीरे करके इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इंक्रीज़ करने से क्या होगा, थ्रिप्स क्या करता है, जो आपकी पॉलन ट्यूब होती है यूजुअली वो पॉलन ट्यूब को फीड करता है, पॉलन ट्यूब को जितने भी हम जीव है चाहे जानवर है चाहे इंसान है, सबके दो मैंडिबल्स होते हैं यानी दो जबड़े होते हैं, है ना, सबके हमारे भी जानवरों के भी दो होते हैं, जितने भी कीड़े होते हैं उनके भी दो मैंडिबल्स होते हैं। थ्रिप्स इकलौता एक ऐसा कीड़ा है या ऐसा जीव है जिसका सिर्फ एक ही जबड़ा होता है, तो वो फीड कैसे करता है, फीडिंग की क्या हैबिट है उसकी, वो क्या करता है, वो एक जबड़े से अब कुतर तो नहीं पाता किसी चीज़ को क्योंकि एक ही जबड़ा है, चुबाने के लिए दो जबड़े चाहिए होते हैं, तो कुतर नहीं पाता, वो क्या करता है फूलों में जाएगा, जो पॉलन ट्यूब होती है हमारी उस पॉलन ट्यूब को कुरेदता है एक जबड़े से, कुरेदेगा, कुरेद के क्या होगा उससे सैप बाहर निकलेगा, वो जो सैप बाहर निकलेगा उस पे वो फीड करता है, वो उसका खाना है। अब वो सैप बाहर निकला, सैप बाहर निकलने से क्या होगा, जो पॉलन ट्यूब है वो या तो कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो पाएगी, है ना, क्योंकि उसका उससे उसका जो पॉलन ट्यूब का रस था वो तो उसने चूस लिया है, थ्रिप्स ने चूस लिया है, तो वो डेवलप नहीं हो पाएगी, या तो ओवरी तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी, अगर वो ओवरी तक पहुंच भी पाती है तो मे भी शायद वो बीच से डैमेज हो जाएगी, तो वो पॉलन जो उसमें जाना है नीचे ओवरी तक वो पॉलन नहीं नीचे पहुंच जाएगा, तो इससे क्या होगा आपकी सेटिंग में प्रॉब्लम आएगी। बहुत टेम्परेचर में आप लोगों ने देखा होगा कि मैक्सिमम सेटिंग नहीं हो पाती है प्रॉपर, अगर ज़्यादा टेम्परेचर होती है, तो वो रीज़न थ्रिप्स है उसका, अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो थ्रिप्स उसको मतलब बहुत ज़्यादा नंबर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यूजुअली चार से तीन से चार अगर थ्रिप्स आप आपकी एवरेज अगर पर फ्लावर है तो उतना डैमेज नहीं कर पाता है, पर अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है आगे और ये नंबर धीरे धीरे करके खुद खुद ब खुद बढ़ने लग जाता है, तो 110% आपका ये सेटिंग के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, और बाद में जाके या तो सेटिंग ही नहीं होगी या तो स्यूडो पॉलिनेशन हो, मतलब प्रॉपर पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा और जून में वो ड्रॉप हो जाएगा। ये एक और रीज़न है ड्रॉपिंग का, ये दो रीज़न मैंने बताया, एक को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये दूसरा रीज़न है कि स्यूडो पॉलिनेशन, स्यूडो पॉलिनेशन तीन रीज़न के कारण होती है, प्रॉपर पॉलिनाइजर नहीं है, प्रॉपर पॉलिनेटर्स नहीं है आपके पास, और तीसरा थ्रिप्स के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। तो थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए जैसे अभी ये अलांटो के ब्रोशर्स आप लोगों को दिए, ये आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसका एक और बेनिफिट है कि ये सेफ टू जितने भी हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं ना खेत में हमारे, उनके लिए सेफ है, बिल्कुल सेफ है ये, सिर्फ और सिर्फ थ्रिप्स के ऊपर काम करता है, और मधुमक्खी के लिए बिल्कुल सेफ है। अगर मधुमक्खियाँ उस वक्त आपने कोठरे अपने उसमें लगा रखे हैं, बॉक्सेस है आपके ऑर्चर्ड में, तो उनके ऊपर कोई हार्म नहीं करती है, तो मधुमक्खी के लिए भी बिल्कुल सेफ है। इसकी डोज 100 ml है अलांटो की, 100 ml पर 200 liters ऑफ वाटर आप लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। ये मैंने दो रीज़न बताया, अभी तीसरा रीज़न जो ड्रॉपिंग का है, यूजुअली आप लोगों ने देखा होना कि हार्वेस्टिंग से पहले बड़े बड़े सेब गिर जाते हैं नीचे, है ना, काट के देखते हो तो अंदर से सड़ा निकलता है, तो वो क्या कोर रॉट की बीमारी होती है, और वो अल्टरनेरिया फंगस से होती है। अब ये कोई मेरे को बता पाएगा कि जो एक कोर रॉट की जो सड़ा हुआ सेब है ना अंदर से, ये इसकी बीमारी शुरू कब होती है, ये जो बीमारी है ये शुरू होती है पेन बढ़ते हैं, इससे भी आप नहीं जा पा सकते हो ना, दो रीजंस जो ड्रॉपिंग के उनको कंट्रोल कर सकते हो आप, जो थ्रिप्स वाला रीजन है उससे भी कंट्रोल कर सकते हो, पॉलिनाइजर पॉलिनेटर वाला रीजन भी कंट्रोल कर सकते हो, और दूसरा जो कोर रॉट वाला रीजन है उसमें भी अगर आप पिंक बर्ड पे ये अंटरपोल स्प्रे करते हो तो उससे आपको 100% आप 100 तो नहीं कह सकते पर 95% जहाँ जहाँ वो स्प्रे आपका कवरेज रहेगी वहाँ वहाँ तक वो आपको यूनिफॉर्म कवरेज दे देगा और अच्छी तरह से कवर हो सकता है। एंटरपोल का एक और फायदा है, एंटरपोल में जिंक एडेड रहता है, आप लोग जिंक डालते हो बाहर से तो आप जहाँ भी आप एंट्रोपोल करते हो आपको एडिशनल जिंक की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि 1 kg एंट्रोपोल में लगभग 156 g ये रहता है जिंक रहता है, और ये जो जिंक है ये बिल्कुल अवेलेबल फॉर्म में रहता है, मतलब जैसे ही आप स्प्रे करते हो लीव के ऊपर जाएगा एकदम से वो इजिली अवेलेबल फॉर्म में रहता है और प्लांट 100% उसको ऑब्जर्व करते हो, तो ये ज़्यादा आपको इसका फायदा मिल सकता है एंट्रोपोल। ये है एक स्टेज आपको जो पहली स्टेज मैंने पिंक बर्ड की स्टेज, इसके ऊपर कोई अगर आपको क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो पिंक बर्ड। एक और चीज है बोरोन, बोरोन की स्प्रे बहुत जरूरी रहती है, इसलिए क्योंकि उसका डायरेक्ट रिलेशन है पॉलन ट्यूब की ग्रोथ से,
पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को वो बहुत एनहांस करता है, जितनी अच्छी पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होगी उतना अच्छा हमारा सेटिंग रहता है। आप इसमें बोरोन ऐड कर सकते हो पिंक बर्ड के, क्योंकि ये सबसे सेंसिटिव टाइम है बोरोन की स्प्रे का। अगर इस वक्त आप वो करते हो तो 100% आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे बोरोन के, राइट टाइम है बोरोन का पिंक बर्ड स्प्रे। बोरोन भी बहुत सारी कंपनियों का आ रहा है। हाँ, आप देखो लिक्विड में यूज करना है तो यारा का भी बोरोन आता है, बोसरा के नाम से आता है। आप ये क्या नाम पाउडर फॉर्म में यूज करना चाहते हो, यारा का बोरोन आ रहा है, आप वो भी यूज कर सकते हो। और भी मतलब काफी कंपनियों का, हाँ, आपने सिर्फ ये चीज देखो कि थोड़ी सी कंपनी अच्छी होनी चाहिए, कंपनी के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए जिस भी कंपनी का यूज कर रहे हो, क्योंकि आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है। सर जैसे ये पिंक वर्ल्ड पे हैवी नहीं होता सर? हैवी पता क्या है, हैवी लाइट कुछ नहीं होती है इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड में, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग इसको कर सकते हो, एडिशनल बेनिफिट्स ही मिलेंगे आपको। जो फूड रॉट की बीमारी है वो 100% आपको मतलब इससे भी निजात मिलेगी। एडिशनली आपको क्या, ये जो आप जिंक की अवेलेबिलिटी है वो आपको मिलेगी, जिंक जिसमें जो 156 ग्राम के आसपास जिंक है वो आप लोगों को इजिली अवेलेबल फॉर्म में रहता है, ये आप लोगों को आराम से मिल सकता है। और इसकी एंट्रोकॉल की या प्रोपेनिव की एक और प्रॉपर्टी है कि आप लोगों ने जब भी घोल बनाते हो ना, कभी भी आपने मैंगो से घर पर घोल बनाते हो, आपने यूजुअली देखा ना कि नीचे ड्रम के नीचे सेटल हो जाता है वो लास्ट में, एंट्रोकॉल कभी भी आपको सेटल होते हुए नहीं नजर आएगा। आप लोगों ने अगर कोई करता है एंट्रोकॉल की स्प्रे तो आप लोगों ने देखना कभी भी वो ड्रम के नीचे नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इतना फाइन पार्टिकल्स में रहता है ये, बिल्कुल घुल जाता है इसके साथ, पानी के साथ घुल जाता है। मतलब आपको ये एडिशनल बेनिफिट आप लोग करते हो लेट आगे जाके, आप यूनिवर्सिटी स्प्रे शेड्यूल देखेंगे ना, तीन जगह रिकमेंडेशन है उसकी भी, अलग अलग चीज के लिए रिकमेंडेशन है। यानी अगर पिंक बर्ड पे रिकमेंड किया है तो स्पेसिफिकली कोर रॉट के लिए रिकमेंड किया, क्योंकि कोर रॉट की जो ड्रॉपिंग होती है उसको रोकने के लिए ये कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा है, पॉकेट्स में है, मतलब सबके नहीं होती है पर कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा रहती है, तो उसके लिए इन्होंने ये पिंक बर्ड पे। फिर जो आके बाद में जाके है बरसात से पहले है, डेवलपमेंट टू पे है मेरे ख्याल से रखा हुआ इन्होंने, जो फंगस का अटैक करने का टाइम है वो अलग है। कोर रॉट के लिए वो पिंक बर्ड पे अटैक करता है, बाद में वो इसके लिए अटैक करता है, क्या नाम, वो लीफ स्पॉट्स जो आते हैं उसके लिए करता है, तो दोनों जगह अलग अलग पर्पस के लिए रखा गया उसको। तो ये है इसका पिंक बर्ड पेन। इसके अलावा अब एक और डेवलपमेंट जो अगली फेज है, पेट्रोल फॉल पे आप लोग स्प्रे करते हैं। पेट्रोल फॉल पे यूजुअली हम मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं जैसे स्कोर हो गया, फंटाफ हो गया, बेविस्टिन हो गया, इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं फंजीसाइड्स में। आप इंसेक्टिसाइड्स में भी कुछ लोग क्लोरो यूज करते हैं जहाँ पे माइट्स की इंसिडेंस कम रहता है, तो वहाँ पे क्लोरो वगैरह यूज होता है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं इंसेक्टिसाइड में, बोरोन वगैरह जो आता है उसका। पर ये जो फेज है ना डेवलपमेंट फेज, मैं इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा आप लोगों को। जो सेटिंग हुई, सेटिंग होने के 30 दिन तक ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज होता है एप्पल के लिए। हर फ्रूट का एक अपना टाइम पीरियड होता है सेल डिवीजन का, कोई 30 दिन करता है, कोई 40 दिन करता है, कोई 5 दिन करता है, कोई 10 दिन करता है। सेल डिवीजन दो तरह में डिवाइड करूंगा मैं इसको, मतलब यूजुअली जो फिजियोलॉजी होती है ना सेब की, वो दो इसमें डिवाइड होती है। एक पहले सेल डिवीजन होता है, तो उसके बाद सेल इलॉन्गेशन होता है। सेल डिवीजन में क्या होता है कि जितने भी आपका जब सेटिंग हुई उसके बाद क्या होता है, जो सेल बनता है ना, पहले तो एक सेल होगा, उसके बाद दो बनेंगे, दो के चार बनेंगे, चार के आठ बनेंगे, आठ के 16 बनेंगे, मतलब ये जाता है नंबर मिलियंस में जाएगा नंबर, ठीक है। पर ये जो मिलियंस में जो नंबर जा रहे हैं ना, इस जाएगा सिर्फ और सिर्फ 30 डेज के लिए, 30 से 40 दिन एट द मैक्स, मतलब 40 दिन के बाद सेल डिविजन हमारा जो सेब में है वो रुक जाता है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि हमारे 40 दिन के अंदर अंदर जो सेल डिवीजन था ये हमारा बन के रह गया 100 सेल बन गए, 100 सेल मान के चलते हैं, ऐसे मिलियंस में रहता है, हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि 40 दिन के अंदर हमारे 100 सेल बन गए। अब 40 दिन के बाद क्या होगा, ये जो 100 सेल है ना, यही सेल लंबे भी बनेंगे और मोटे भी होंगे, यानी इन्हीं के यही एक्सपेंड भी होंगे, मोटे होंगे, और इलोंगेशन भी इन्हीं सेल्स की होगी। यानी 40 दिन के बाद ये जो 100 सेल है, 100 सेल से 101 सेल नहीं बनेगा या 110 सेल नहीं बनेंगे, यही 100 सेल आपके आगे जाके बड़े होंगे, मोटे होंगे, बड़े होंगे, सब कुछ मतलब इसी के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी इसी के अंदर जाएगा, पानी भी इसी के अंदर जाएगा, सब कुछ इसी के अंदर होगा इन्हीं 100 सेल्स के ऊपर। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन रुक जाती है, इसके बाद जो डिवीजन वो फेज आता है वो आता है सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन का, यानी इलोंगेशन ही होगी उसकी, बढ़ेगा वही सेब। अब क्या होता है कि सपोज आप उस टाइम कोई बीमारी लग जाती है आपके ऑर्चर्ड में, है ना, कोई कीड़ा खा रहा है आपकी लीव्स को, आपकी न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी प्रॉपर नहीं है, तो उससे क्या होगा, खाना अगर प्रॉपर नहीं बन रहा होगा तो जो सेल डिवीजन है वो हैम्पर होता है,
यानी सेल डिवीजन हैम्पर होगा, जहाँ आपके 100 सेल बनने थे वहाँ आपके सेल बने 60 सेल 70 बन गए, तो क्वालिटी किसकी ज़्यादा बेटर होगी? वो 60 सेल वाले की क्वालिटी बेटर होगी या 100 सेल वाले की क्वालिटी बेटर होगी? डेफिनेटली 100 सेल वाले की ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा सेल्स फॉर्मनेस ज़्यादा रहेगी वहाँ पर वहाँ पर। तो हमारे को क्या करना है कि जो ये सेल ये इस 30 से 40 दिन का जो पीरियड है, आपको बेस्ट न्यूट्रिएंट्स चूज करने हैं जो सेल डिवीजन में एनहांस करते हैं। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस सेल डिवीजन को बहुत ज़्यादा एनहांस करता है। आपको ऐसे फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना है जो आपको फास्फोरस ऐड कर रहा होगा उस टाइम सेटिंग पे। इस तरह की चीज़ों को यूज़ करना है। कोई आप लोगों के मॉलिक्यूल्स, ये क्या नाम क्या बोलते हैं इनको, ग्रोथ हार्मोन्स है, उन ग्रोथ हार्मोन्स को यूज़ करना है जो आप लोगों का सेल डिवीजन को इम्प्रूव करेगा। ऐसे फंगीसाइड्स को यूज़ करना है जो आप लोगों के सारी बीमारियों को कवर करेगा और आपके फर्स्ट 30 डेज के लिए लीव्स बिल्कुल हेल्दी रहेगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड यूज़ करना है, तो हम इसमें रिकमेंड करते हैं यूजुअली, मैंने जैसे आप लोगों को बोला स्कोर यूज़ होता है, कंटाप यूज़ होता है, बहुत अच्छे मॉलिक्यूल्स हैं पर टारगेटेड रहते हैं, वो एक किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए टारगेट रहता है। और आप लोगों को मैं चाहूँगा कि इसको एक ऐसा फंजीसाइड यूज़ करो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सारी डिजीज को कवर करता है। इसके लिए हम रिकमेंड करते हैं लूना एक्सपीरियंस करके एक प्रोडक्ट आता है हमारा, बाहर का ही है, तो उन्हें एक्सपीरियंस करती है, ये कॉम्बी प्रोडक्ट है। तो इसको अगर आप यूज़ करते हो तो स्कैब, अल्टरनेरिया, प्री मेच्योर लीफ फॉल और पोल्ट्री मेडियो, ये चार बीमारियां जो मेजर बीमारियां हैं हमारे सेब की, इनको कंट्रोल करता है। और एक अच्छी जो आपकी लीफ है, लीफ हेल्थ को एक प्रॉपर शेप देगा, प्रॉपर लीफ रखेगा फॉर फर्स्ट 30 डेज। प्रॉपर लीफ रहेगी तो आपका खाना जो बन रहा है ना, वो सेल डिवीजन नहीं रुकेगा, सेल डिवीजन नहीं रुकेगा तो कहीं ना कहीं आगे जाके वो आपको बेनिफिट देगा ही देगा। तो ये था पेटल फॉल पे। और न्यूट्रिएंट्स आपको फास्फोरस जरूर ऐड करना है पेटल फॉल पे, यानी सेटिंग के वक्त, क्योंकि न्यूट्रिएंट फास्फोरस बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन में मदद करता है। अगर किसी कारण आपका सेल डिवीजन बिल्कुल रुक जाता है ना, अगर आप फास्फोरस ऐड करते हो उस टाइम, चाहे स्प्रे के थ्रू चाहे नीचे रूट्स के थ्रू, यूजुअली कोशिश करना कि स्प्रे के थ्रू ही दो ये फास्फोरस जो भी दे इस वक्त, तो ये आपको बहुत अच्छा इसमें ग्रो करेगा, करवाएगा। फास्फोरस बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ये था इसका पेटल फॉल के आसपास का जो स्प्रेज जाती है सेटिंग के आसपास। इसके बाद आप जो स्प्रेज जाएगी आपकी वॉलेट पे भी देते हो आप बिफोर ऑनसेट ऑफ मानसून देते हो, और सबसे लास्ट में जो रहता है वो हार्वेस्टिंग से पहले भी आप से देते हो। अब जो वॉलनट वाली है, वॉलनट वाली एक ऐसी स्टेज होती है बीट मटर के दाने से वॉलनट के बीच में, आप लोग को थोड़ा सा इसमें सिर्फ एक चीज़ देखनी है, टेम्परेचर। इस वक्त टेम्परेचर राइज हो रहा है, इस वक्त हमारे को एक दो इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको अफेक्ट करते हैं। एक है बुली एप्पल एफिड के जो कॉलर्स हैं, वो मैंने बोला कि आपको मतलब ये जैसे जैसे सैप फ्लू शुरू होता है वैसे वैसे शुरू हो जाते हैं, पर पी नट के बाद वॉलनट तक ये मैक्सिमम जो क्रॉलर्स है वो मूव कर जाते हैं जड़ों से ऊपर के लिए। बुलियाफड़ का पता है ना वो, कि जो उसके जो अडल्ट होते हैं वो जड़ों में रहते हैं सर्दियों में, धीरे धीरे करके फिर ऊपर को मूव करना शुरू करते हैं जैसे जैसे सैप फ्लो होता है। तो ये ऊपर आपको ये पेटल ये सॉरी क्या नाम पी नट स्टेज से वॉलनट स्टेज तक, मटर के दाने से जब तक अखरोट का दाना बन जाता है इसके बीच में मूव करते हैं। दूसरा ये आपके माइट्स हो गए, ये माइट भी बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट रहता है अगर आपका टेम्परेचर है। तो इन दोनों को चीज़ों को अपने ऑर्चर्ड में देखे आपको स्प्रे करने जा सकते हो। माइट्स के लिए आप ओबिरोन यूज़ कर सकते हो। माइट्स का आप लोगों को शायद फीडिंग हैबिट का पता ही होगा, जो आपको माइट रेड कलर का माइट जो लीफ पे आप लोगों को नजर आता है, यूजुअली वो सिर्फ 5% डैमेज करता है। तो मेन डैमेजिंग स्टेज क्या होती है, वो होते हैं उनके बच्चे, उनको बोलते हैं निम्स। निम्स 95% जो डिस्ट्रक्शन है लीफ में, जो क्लोरोफिल की चूसने का काम करता है वो निम्स करती हैं। जो हम आपको नंगी आंखों से देखते हैं अडल्ट जो लाल रंग के नजर आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनका मेटिंग का काम होता है और रिप्रोडक्शन का काम होता है। उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, 5 से 7 दिन की या 12 दिन के आसपास की लाइफ होती है। उस लाइफ स्पैन में सिर्फ और सिर्फ वो मेटिंग करते हैं और अब आगे वो अंडे देते हैं। जो मेन डिस्ट्रक्टिव स्टेज है निम्फ स्टेज को हम क्या विजिबल देख सकते हैं उनको? विजिबल ये देख सकते हैं, लेंस यूज करना पड़ेगा आपको, मतलब नेकेड आई से हम नहीं देख सकते। अडल्ट को हम देख सकते हैं, अडल्ट को नेकेड आई से देख सकते हैं। निम्फल स्टेज है उसके लिए, निम्फल स्टेज के लिए हमारे को ये मतलब लेंस लेना पड़ेगा। लेंस से आप आराम से देख सकते हैं क्योंकि मतलब थोड़ा सा छोटा होता है, कलर डेवलपमेंट कलर में उतना फर्क नहीं रहता, हल्का सा पिंकिश सा होगा या ग्रीनिश सा होगा, दो तरह के जो माइट्स है अलग अलग ना, इस तरह से नजर आ जाएगा उस पर वो आपको। और जो
मिडरिब होती है ना इसकी पत्ती की, उसमें अगर नहीं भी पता लग रहा तो आप क्या करो, पेन से ना, पेन से कुरे दो उसको एक तरफ को, है ना, वो अंडे होंगे निम्फ होंगे एक जगह में इकट्ठे हो जाते हो, अगर आपको हल्का सा भी लाल जैसा नजर आ रहा ना, अगर उससे करोगे एक तरफ को कुरे दोगे तो एक तरफ नजर आ जाएगा, और लेंस से देखोगे तो आपको सारी स्टेजेस वहां नजर आ जाएगी, अंडे भी नजर आ जाएंगे, निम्फ भी नजर आ जाएंगे। हम आपको कंट्रोल क्या करना पड़ता है माइट के केस में, हम आपको निम्फ कंट्रोल करने, क्योंकि 95% डिस्ट्रक्शन जो है वो निम्फ करता है, तो इसलिए आपको मॉलिक्यूल भी उस हिसाब से चूज करने हैं। अगर आप लोगों के सपोज किसी कारण आप बीच में स्प्रे नहीं कर पाते हो तो एकदम माइट की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, और अडल्ट आप लोगों को 10-15 अडल्ट नजर आने शुरू हो जाते हैं लीफ पे, तो उस वक्त क्या करना है आप लोगों को कि कोई अडल्टी साइड यूज करना है, जैसे मेजिस्टर हो गया, मेजिस्टिक हो गया, इस तरह का अडल्टी साइड यूज करना है ताकि वो अडल्ट मर जाए, फिर फॉलोड बाय इसके बाद इमीडिएटली आप लोगों को एक्सी स्प्रे करनी पड़ेगी जो आपको नेम्स को कंट्रोल करेगी, क्योंकि मेजिस्टर और जो मेजिस्टिक वगैरह है वो सिर्फ और सिर्फ अडल्ट को कंट्रोल करेंगे, अडल्ट को मारेंगे, पर जो डिस्ट्रक्टिव स्टेज है निम्फल स्टेज उसको वो नहीं मारते हैं। उसके लिए आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि हमारा प्रोडक्ट ओबेरॉन आता है, ओबेरॉन सिर्फ काम करता है अंडों के ऊपर और निम्फल स्टेज के ऊपर, इन दोनों को खत्म करता है। अब अडल्ट के साथ क्या करेगा, वो अडल्ट को नपुंसक बना देता है, वो यानी उसके अंडे देने की जो एबिलिटी है उसको खत्म कर देता है। तो आप तीनों स्टेज के ऊपर काम करता है, पर आपको जो अडल्ट है ओबेरॉन की स्प्रे करने के बाद वो अडल्ट आपको 7 दिन तक भी नजर आ सकता है, क्योंकि वो पर फीडिंग रोक देगा, वो डिस्ट्रक्शन नहीं कर रहा होगा, और असर क्या कहाँ दिखाएगा, वो दिखाएगा आपका जो निम्फल स्टेज है, निम्फल स्टेज वो सारी को खत्म कर देगा, जो ऑलरेडी एग्स लेट होंगे वो उसका एग्स भी खत्म हो जाएंगे रोक देता है, क्योंकि वो जो माइट अडल्ट माइट्स है हमारे उनको स्टेराइल कर देगा और उनकी फीडिंग रोक देता है, और धीरे धीरे करके वो अपनी नेचुरल डेथ मर जाते हैं 8-9 दिन के बाद। अगर आपको लग रहा है आप ऑर्चर्ड में विजिट करने जा रहे हो और आपको एक दो एवरेज 2-3 आपको नजर आने शुरू हो गए, अब एक तो है कि 2-3 नजर आ रहे हैं आप लोगों को उस पर, दूसरा है कि आगे टेम्परेचर कैसा रह रहा है, अगला एक हफ्ता कैसा रह रहा है, अगर टेम्परेचर आगे एक हफ्ता इंक्रीज हो रहा है तब आपको इमीडिएटली स्प्रे के लिए जाना जरूरी है। अगर हो सकता है कि 2 दिन के बाद बारिश शुरू होगी यानी टेम्परेचर डाउन आएगा माइट की पॉपुलेशन कभी भी नहीं बढ़ती है, टेम्परेचर अगर कम होगा तो माइट की पॉपुलेशन खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाती है, इसीलिए आपको टेम्परेचर का बहुत जरूरी है इसमें माइट, जब भी माइट स्प्रे करते हो अगर आपको नजर आ रहा है माइट और आगे अगले एक हफ्ता जो है वो टेम्परेचर काफी राइज हो रहा है, इमीडिएटली आप लोगों को माइट स्प्रे के लिए जाना चाहिए। अगर नहीं है टेम्परेचर डाउन हो रहा है या बारिश शो फोरकास्ट कर रही है तो आपको नहीं करना चाहिए, वो खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगा उसको, क्योंकि जो माइट्स होता है उनके लिए हायर टेम्परेचर चाहिए होता है रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो मतलब आपको नुकसान, पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी, हाँ जी पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी, नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। डोजेज क्या रहेगी, 80 ml रहती है पर 200 लीटर ऑफ वाटर, जो ओबेरॉन की है 80 ml पर 200 लीटर ऑफ वाटर, पर अगर आप ड्रम पूरा भर रहे हो ऊपर तक तो मतलब 100 ml तक आप बढ़ा सकते हो डोज को, 80 ml यूजुअली रहता है इसका। कंपैटिबिलिटी सर इसकी किसी कंपैटिबिलिटी स्पेशल प्रिकॉशंस कुछ, यूजुअली ये सारे फंजीसाइड्स के साथ कंपैटिबल है, पर अभी अगर आपको कोई न्यूट्रिएंट्स इसमें यूज करने हैं तो अगर 11 का कोई न्यूट्रिएंट है तो इनका एक टेक्निक्स है, बहुत हेल्पफुल ऐप है, आप लोग उसमें यूज कर सकते हो, उसमें मतलब हमारे प्रोडक्ट्स के साथ नहीं कोई भी किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट है तो उसके वहाँ आपको पता लग जाता है कि आप कंपेटेबल है वो उसमें या नहीं, तो आप लोग उसमें चेक कर सकते हो उसमें, और स्प्रे करने से पहले आप लोग हमारे को भी फोन कर सकते हैं एक बार कि भाई ये कंपेटेबल है, उन मॉलिक्यूल्स को देखे हम आपको बता सकते हैं कि कंपेटेबल है। सर एक जार टेस्ट भी करते हैं कंपेटिबिलिटीज के लिए, कुछ बताएंगे उसके बारे में, कैसे जार टेस्ट होता है सर पहले कंपेटिबिलिटी चेक करने के लिए, नहीं एक्चुअली वो फिजिकल टेस्ट जो होता है वो कितना रिलायबल है वो, नहीं वो एक्चुअली पता क्या ना कंपैटिबिलिटी 2 तरह से हम आपको टेस्ट करनी पड़ती है, एक कंपैटिबिलिटी तो जो आपको देखने में यानी फिजिकल कंपैटिबिलिटी की वो आपस में कंपैटिबल है
फट नहीं रहा है तो आपको देखने से पता लग जाता है कि कंपेटेबल है पर दूसरी कंपेटेबिलिटी होती है जो आपके प्लांट्स को टॉक्सिक तो नहीं है आपस में तो कंपेटेबल है कहीं को वहां जाके फाइटोटॉक्सिसिटी तो नहीं कॉज कर रहा है तो ये दोनों चीजें देखना जरूरी है वो जार टेस्ट से पता लगेगा हां जी हां जी उसी से पता लगेगा जार टेस्ट से वो फाइटोटॉक्सिसिटी उससे फिजिकली पता लगेगा आपको ना कि थोड़ा-थोड़ा मटेरियल आपने जार में ले लिया मिला के देख लिया कि अगर फट रहा है फटना आप लोगों को पता ही है कि छाछ जैसी बन जाती है उसमें तो मैक्सिमम ये न्यूट्रिएंट्स के साथ होता है न्यूट्रिएंट्स के साथ ना बहुत ज्यादा फटती है चीजें तो न्यूट्रिएंट के साथ जब भी आपको कोई भी चीज करनी है तो यूजुअली आप मतलब अलग से देख टेस्ट करो एक बार फिर जाके मिक्सिंग करो उसकी माइटीसाइड जितने भी है कोशिश करो कि वो अकेला हो अगर आप पानी की किसी को दिक्कत है तभी जाके कुछ मिक्सिंग करो अदरवाइज अगर पानी की प्रॉब्लम नहीं है तो यूज कोशिश करो कि माइटीसाइड अकेला करो चाहे वो एडल्टीसाइड यूज कर रहे हो चाहे आप ये निम्फीसाइडल या ओविसाइडल यूज कर रहे हो ओविसाइडल और निम्फीसाइडल की जो एडल्टीसाइड के साथ है वो भी कंपेटिबिलिटी रहती है आपको अगर किसी ऑर्चर्ड में दोनों स्प्रे एक साथ भी करनी है तो आप कंपेटेबल मतलब जैसे मजिस्टर को ओबेरॉन के साथ करना है कंपेटेबल है कि आप लोग यूज कर सकते हैं उसको इसमें इससे एक फायदा ये होगा कि जो अडल्ट है अगर किसी ऑर्चर्ड में बहुत ज्यादा अडल्ट है तभी यूज करना अगर बहुत ज्यादा अडल्ट है तो अडल्ट भी मर जाएगा और अंडे और जो बच्चे हैं वो भी मर जाएंगे अगर अडल्ट बहुत ज्यादा नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ ओबेरॉन कर सकते हो वो खुद कंट्रोल दे देगा तो थ्रू आउट द सीजन एक एप्लीकेशन ओबेरॉन की सफिशिएंट है या फिर सेकंड एक्चुअली ये डिपेंड करेगा आपकी टेंपरेचर के ऊपर ओके अगर टेंपरेचर बहुत ज्यादा आगे राइज हो रहा है तो मे बी शायद 25 दिन से 30 दिन का कंट्रोल तो देगा और टेंपरेचर उसके बाद भी कंट्रोल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो ये माइग्रेट करता है एक ऑर्चर से दूसरे ऑर्चर को भी माइग्रेट करता है टेस्ट तो ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा अब पड़ोसी ने किया है नहीं किया है कुछ लोगों को मिल भी जाता है अगर वो पूरी हर जगह हो रहा है ना जो बड़ा ऑर्चर्डिस्ट है उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आती अगर कंसोलिडेटेड प्लॉट है किसी का साइड में दिक्कत आ सकती है हरे भरे से पर बीच में उसको एक स्प्रे से पूरे सीजन के लिए आप कवर मिल जाता है पर जो हमारे स्कैटर्ड प्लॉट्स होते हैं वहां पे दिक्कत होती है हो सकता है पड़ोसी ने नहीं किया हो आपने तो कर दिया स्प्रे तो पड़ोसी ने नहीं किया हो 30 दिन का आपको कवर मिल गया पर टेम्परेचर फिर राइज हो गया वहां से माइग्रेट हो गया 100% आपके खेत में भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा ही करेगा तो माइग्रेट करता है ये पेस्ट एक जगह से दूसरी जगह को तो वहां दिक्कत आती है आपको वहां पे मे बी आपको पर दूसरे जरूरी नहीं है कि आपको कोशिश करना कि अवॉइड आपको ओबेरॉन अगर एक स्प्रे कर ली तो नेक्स्ट स्प्रे ओबेरॉन की नहीं करनी है वहां आप कोई और मॉलिक्यूल यूज करो किसी और कंपनी का यूज करो सेडना है टाटा का या किसी और इसका बोर्नियो आता है ये यूज करो और एक के बाद आप बोर्नियो के बाद बोर्नियो नहीं होना चाहिए माइटीसाइड में साथ मजिस्टर के बाद मजिस्टर नहीं होना चाहिए ओबेरॉन के बाद ओबेरॉन नहीं होना चाहिए इससे क्या होता है रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे करके ना तो ये आपको अवॉइड करना कि एक माइटीसाइड के साथ के बाद दूसरा माइटीसाइड सेम नहीं होना चाहिए आपको चेंज करना है मेडन आप यूज कर सकते हो एक्सरसाइज में टेक्निकल तो वो भी यूज कर सकते हो आप पर चेंज करके करना जरूरी है नहीं जैसे ये बोरॉन वगैरह रिपीट हो सकता है बोरॉन रिपीट हो सकता है न्यूट्रिएंट्स हां न्यूट्रिएंट्स आप रिपीट कर सकते हो बोरॉन की दो से तीन स्प्रे हम यूजुअली करते हैं पर पिंक बट पे कोशिश करो कि बोरॉन को पिंक बट पे जरूर लाएं बहुत जरूरी है वहां पे फास्फोरस को सेटिंग पे जरूर लाएं क्योंकि उसकी वहां पे बहुत जरूरत है सेल डिवीजन में इंप्रूवमेंट करेगा आपका मतलब न्यूट्रिएंट्स को देख के यूज करना है आपने कि कहां उसकी जरूरत है उस हिसाब से आप लोगों ने उसको यूज करना है न्यूट्रिएंट्स को जैसे मैंने बोला आपको कि बोरॉन में पोलन हेल्थ की क्या नाम पोलन ट्यूब को बनाने में बढ़ने में लाता है तो बोरॉन कहाँ जरूरत होगी पिंक बढ़ती होगी फॉस्फोरस की जरूरत कहाँ है सेल डिवीजन को इम्प्रूव करने में या ऐसे फॉस्फोरस का जो मेन रीजन रोल रहता है वो रहता है रूट्स की फॉर्मेशन के लिए पर वहाँ से रूट्स की फॉर्मेशन के अलावा दूसरा जो मेन रोल है उसका वो है सेल डिवीजन का अब सेल डिवीजन 100% सेल डिवीजन पर बहुत फर्क पड़ता है यहाँ तो कुछ फार्मर्स मेरे को अभी नीचे ऐसे भी मिले हैं जो जिनने डीएपी लाना शुरू कर दिया डाइअमोनियम फॉस्फेट मतलब पंजाब से डीएपी ला के वो यूज कर रहे हैं उनको रिजल्ट्स मिले हैं रिजल्ट का कारण सिर्फ एक ही है फॉस्फेट उस फॉस्फोरस को प्रोवाइड मिल रहा है उनको सेल डिवीजन के बाद अगर सेल डिवीजन के बाद फॉस्फोरस मिलेगा 100% आपके साइज के वो बोल यही रहे हैं वो लोग की हमारे साइज में फर्क पड़ा है डीएपी डालने से बस सिर्फ रीजन यही है आप अगर उस वक्त फोलियर स्प्रे भी करते हो ना बायर इनके यारा के भी दो तीन फॉस्फोरस से रिलेटेड प्रोडक्ट आते हैं उनकी फोलियर स्प्रे भी करते हो तो आपको 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे डीएपी नीचे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको डीएपी ऐसे डालनी भी नहीं चाहिए वो राइस ग्रो के लिए बनी हुई है जहाँ पे फॉस्फोरस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है वहाँ उसके लिए बनी हुई खाते हैं तो ये माइट के बारे में था
वैसे ही आप गुलियाफिड गिर गए, गुलियाफिड ऐसा पेस्ट है, आप लोगों को पता होगा कि ये डोरमेंट सीजन में जो भी रहता है ये जड़ों में फीड करता है, उसके बाद जड़ों में गांठें देखी होनी आपने काफी बनी होती है, तो ये गांठें उसी की वजह से बनी होती है, गुलियाफिड की वजह से बनी होती है। इसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर मूव करना शुरू करता है और इसके क्रॉलर जो है मूव करते हैं, कॉलोनी में रहते हैं ऊपर। आप लोगों ने गुलियाफिड का मतलब सभी को पता है कि कैसे ये ऊपर रहता है, वो वाइट गुली अपने ऊपर बना लेता है। इसको कंट्रोल करने के लिए भी आपको वॉलनट से पहले पहले जो भी स्प्रे करनी है वॉलनट से पहले पहले करनी पड़ेगी आपको। हमारा मोमेंटो आता है, मोमेंटो ओडी कर गया, तो वो अगर उसकी स्प्रे भी करनी है तो वो आपको पहले करनी पड़ेगी, वॉलनट से पहले पहले करनी पड़ेगी। वॉलनट के बाद अगर स्प्रे करोगे तो फिर कंट्रोल होना मुश्किल हो जाएगा उसको, क्योंकि जो उसके क्रॉलर्स है, अगर क्रॉलर्स ही कंट्रोल हो गए ना शुरू में, फिर बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी स्प्रे की आपको। तो ये गुलियाफिड के लिए है, ये मोमेंटो ओडी जो है 200 ml पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि इस वक्त कोई भी इंसेक्टिसाइड आप यूज नहीं कर सकते, कोई भी इंसेक्टिसाइड यूज करते वो माइट के लिए आपका मतलब। सर ये मोमेंटो सेफ है हमारा लेडी बर्ड्स वगैरह के लिए, उसके बीटल्स के लिए? हाँ बिल्कुल, मोमेंटो सेफ है, प्रीडेटरी माइट्स के लिए सेफ है। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो सिलेक्टिव टाइप है, हाँ गुलियाफिड गुलियाफिड के लिए काम करेगा। और गुलियाफिड के लिए इसका एक यूनिक तरीका है काम करने का। आप लोगों ने मतलब हम सभी लोग बोलते हैं कि ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, ये सिस्टमिक फंजीसाइड है, ये सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड क्या होता है कोई बता सकता है? सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड क्या होता है? क्या मतलब है कि हमने सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड डाला दी, जैसे बेविस्टिन है आपका, जैसे बेविस्टिन है इसमें वो देखिए सिस्टमिक है, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड डाल दिया, सिस्टमिक फंगिसाइड डाल दिया, क्या मतलब है इसका? जैसे इमिडाक्लोप्रिड है। सिस्टमिक का मतलब हम जो लेते हैं कि मतलब सिस्टम में जाएगा, स्प्रे की हमने लीफ पे स्प्रे की, पत्ती पे स्प्रे की, अब पत्ती का जो मॉलिक्यूल गया वो अंदर जाएगा और अंदर इंटरनली वो काम करेगा। सपोज सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड हो गया, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड हम किसके लिए करेंगे? जो रस चूसे कीड़े होते हैं, यानी जो रस चूसते हैं, यानी वो सिस्टम में जाएंगे, कीड़ा आएगा रस चूसेगा, रस जब चूसेगा तो क्या होगा, रस में पहले से ही वो हमारा इंसेक्टिसाइड मिला हुआ है तो वो खत्म हो जाएगा। पर सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स का क्या एक या फंजीसाइड्स का क्या होता है, ये हमारी टहनी है, यहाँ पे आपने एप्लीकेशन की सिस्टमिक किसी भी सिस्टम चीज की। अब वो जो सिस्टमिक मॉलिक्यूल है वो आपका यहाँ से ऊपर को ही मूव करता है, यानी इसका एक टेंडेंसी है कि ये नीचे को मूव नहीं करता है, जहां भी आपने स्प्रे की वहां से ऊपर को ही मूव करेगा, बाहर की तरफ को मूव करेगा, नीचे को मूव नहीं करता है कभी भी। ये दुनिया का एकमात्र मॉलिक्यूल है जो मैंने ये अभी मोमेंटो ओडी बताया आपको, ये बोथ वे मूवमेंट करता है, जाइलम में भी मूव करेगा, ये फ्लोएम में भी मूव करेगा, यानी अगर आपका आधा पेड़ भी कवर हुआ होगा तो ये पूरे पेड़ में खुद ब खुद मूव करता है, ये जड़ की टिप तक जाता है नीचे। जड़ की टिप में जाने से क्या बेनिफिट मिलेगा? जो हमारे क्या नाम वूली एपल एफिड्स जड़ों में फीड कर रहे हैं उनको भी ये उस टाइम मार सकता है, क्योंकि दोनों बोथ वे आपका यूज कर रहा है, मतलब मूवमेंट कर रहा है, तो आपका मतलब दोनों जो जड़ में है वूली एफिड उसको भी मारेगा, जो ऊपर है वूली एफिड उसको भी कंट्रोल करेगा ये। पर कंडीशन बीइंग कि आप लोगों को स्प्रे करनी पड़ेगी वॉलनट से पहले, वॉलनट के बाद स्प्रे करोगे तो क्या होगा कि ये उतना अच्छा एक्टिवली काम नहीं कर पाता है, क्योंकि ये फुल जो आपकी सैप की मूवमेंट है वो पूरी पूरी होनी चाहिए, तब जाके ये प्रॉपर काम कर सकता है। ये गुलिया फिट के लिए था, 200 ml पड़ेगा, 200 L पानी एक ड्रम का, ये 200 ml पड़ता है। और इसकी एक चीज है ऑयल डिस्पर्सिबल, ओडी जो लगा है ना इसमें मोमेंटो ओडी, ओडी का मतलब है ऑयल डिस्पर्सिबल, यानी जब एक बोतल आती है ना इसकी मोमेंटो की, इसमें दो चीजें रहती है, एक तो एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी जो केमिकल है, दूसरा ऑयल होता है इसमें, तेल होता है जिसमें ये घुलता है, यानी जब भी आप लोगों ने यूज करना है इसको पहले बिल्कुल अच्छी तरह से मिलाना है, इसको शेक करना है, शेक वेल बिफोर यूज, इसमें टैग भी लगा रहेगा आपका हर बोतल में, शेक वेल बिफोर यूज, क्योंकि ये पानी के साथ नहीं घुलता है, पानी के साथ ये सिर्फ मिलता है, मिलता और घुलने में बहुत फर्क होता है, ये घुलेगा किसके साथ? तेल के साथ घुलेगा, उसके बाद पानी के साथ मिलेगा जाके, है ना, तो तेल के साथ पहले इसको घोलना है क्योंकि तेल इसी में पड़ा हुआ है, तेल के साथ पहले घोलेगा उसके बाद पानी के साथ ही मिलेगा। जितने सपोज 1 L लाते हो, 1 L में 5 ड्रम बनते हैं, 5 ड्रम जब आपने मिलाने हैं तो 5 ड्रम को मिलाते हुए आप लोगों ने शेक जरूरी करना है इसको,
अदरवाइज क्या होगा, तेल ऊपर होगा दवाई नीचे होगी. आपने मिलाई पहले दो ड्रम के लिए तो तेल तेल निकल गया, बाकी आगे तीन ड्रम के लिए दवाइयां निकल गई. अब वो दवाई भी किसी काम का नहीं, तेल भी किसी काम का, तेल ने कंट्रोल कुछ नहीं करना, दवाई भी किसी काम की नहीं क्योंकि वो पानी में घुलेगी नहीं. घुलनी किसमें थी, वो तेल में घुलनी थी, क्योंकि आपको शेक जरूर करना है वो पहले यूज करने से पहले. जितनी भी ऑयल ओडी वाली दवाइयां आती है ना, ऑयल डिस्पर्सेबल जिस भी कंपनी की आती है, उन दवाइयों को घोलना जरूरी है आपस में पहले, क्योंकि वो तेल में घुलेगी फिर जाके पानी में मिलेगी वो जाके. तो ये फर्क है इसमें ऑयल डिस्पर्सेबल वाले. ये नई टेक्नोलॉजी है, जो जितने भी आपके धीरे धीरे करके मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं ऑयल डिस्पर्सेबल ज्यादा आएंगे क्योंकि इसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा रहती है. तो ये इसका वुलिया फेड का था. इसके अलावा आप जब ये वॉलनट के बाद की जो स्टेज आ गई प्री मानसून, जैसे मानसून शुरू होता है, तो आप इसमें नेटिवो यूज कर सकते हो. तो मैंने आपको चार स्प्रेज बताई थी जो फंजीसाइड की, आप जो यूजुअली आपको करनी चाहिए, पिंक बर्ड पे मैंने बताया था, पेटल फॉल पे मैंने बताया था, जहाँ आप लूना यूज कर सकते हो. हमारा प्री मानसून जो है एग्जैक्टली जब मानसून शुरू हो रहा है तो आप वहाँ पे नेटिवो यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको एक लंबा कंट्रोल मिलेगा, बेटर एफिकेसी है, आपका ट्रांसलैमिनर इफेक्ट है, मतलब ऊपर वाली साइड अगर पत्तों पे डालोगे तो निचली साइड खुद ब खुद ही चला जाती है. इसका ये भी फायदा रहता है नेटिवो का, और एक लंबा कंट्रोल भी आप लोगों को मिलता है. तीसरा ये था. चौथा आप पोस्ट प्री हार्वेस्ट जो भी स्प्रे करते हो, मतलब जैसे 15-20 दिन पहले आप शाइनिंग के लिए करते हो या शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए करते हो, तो हम इसमें एडवोकेट करते हैं कि हमारा जो लूना एक्सपीरियंस है, अगर आप उस लूना एक्सपीरियंस करते हो तो आपको शाइनिंग बेटर शाइनिंग मिलेगी और आपका शेल्फ लाइफ के ऊपर भी ये कंट्रोल देता है, यानी बेटर शेल्फ लाइफ आपको प्रोवाइड करता है लूना एक्सपीरियंस. ये मेन चीज़ें थी जो प्लांट प्रोटेक्शन से रिलेटेड थी. इसके अलावा अगर कोई आपको क्वेश्चन है ना, कोई किसी भी बीमारी से रिलेटेड या उसके डायग्नोसिस से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं. रूट बोरर के बारे में बताएंगे. हाँ, जब मैं शुरू में बता रहा था आपको रूट बोरर पे जो डिस्कशन चल रही थी, यूजुअली जो इसका कंट्रोल है ना, बहुत मुश्किल कंट्रोल है. रूट बोरर का अडल्ट आप लोगों ने देखा हुआ है, चॉकलेट ब्राउन कलर का कवर होता है, इतना बड़ा होगा, आगे दो वो उसमें बोलते हैं, वो उसका अडल्ट होता है. इसकी जो लाइफ स्पैन है ना, लगभग एक हफ्ते का रहता है, सिर्फ एक हफ्ते ही जिंदा रहता है वो अडल्ट, जो नॉर्मल उसका लाइफ है. उसमें करता क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ मेटिंग और अंडे देने का काम करता है एक हफ्ते में. एक फीमेल रूट बोरर का जो अडल्ट है वो लगभग 100 से 120 अंडे के आसपास पर डे देता है, और पर डे नहीं, मतलब अपनी लाइफ स्पैन में, जो एक हफ्ते की लाइफ स्पैन है उसमें देता है, सब लगभग 100 से 120. अब सोचो अगर आपके ऑर्चर्ड में 5 भी है ना, तो अगर इतने अंडे उन्होंने दे दिए हैं तो कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं. और इनको मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि 5 इंच से लेकर 30 इंच तक ये मूवमेंट करते हैं. गर्मियों में जो जैसे गर्मी होती है ना, तो ये लगभग 5 से 10 इंच के आसपास ये फीड करते हैं. जैसे जैसे ठंड बढ़ती रहती है, ये इनकी मूवमेंट नीचे को जानी शुरू हो जाती है, और ये लगभग 30 इंच तक ये अपनी फीडिंग करते हैं. पर करते हैं, इनकी एक चीज मैंने आप लोगों को बता दी कि ये फीड सिर्फ और सिर्फ रूट पे करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रूट पे. एक्सक्लूसिवली इनकी जो फीडिंग है वो रूट पे ही होगी, बाकी कहीं भी नहीं होगी. तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को ना, रिपेल करने के लिए आप एक तो नीम बेस्ड खादों को यूज कर सकते हैं. नीम बेस्ड खाद हो गया, या नीम ऑयल की ड्रेंचिंग हो गई है ना, इन चीजों को यूज कर सकते हैं. अगर आप इसको मानसून के आसपास इसको ड्रेंच करोगे या तो उससे क्या होगा, जो अडल्ट होगा ना वो रिपेल होगा इसे, यानी वो वहां पे अंडे देने नहीं आएगा आपके तौर पर. तो एक कंडीशन ये बच सकती है, मारेगा नहीं. नीम खाद या नीम बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट है वो किसी भी इंसेक्ट को मारता नहीं है, वो रिपेल करता है, यानी उसको दूर भगाता है अपनी गंध से, या उसमें कुछ जो मॉलिक्यूल जो अंदर उसमें मॉलिक्यूल्स है नीम में, अंदर जो कॉन्शियंस है उसके, उससे वो धीरे धीरे करके रिपेल करेगा चीज़ों को, मारेगा नहीं उसे. तो आप एक तो ये है कि नीम बेस्ड आप ऑयल ले लो, चाहे खाद ही यूज कर लो, या ऑयल की ड्रेंचिंग कर लो, बरसात में करनी है ये आपने. दूसरा, अगर कोई इंसेक्टीसाइड आप यूज़ कर रहे हो ड्रेंचिंग के लिए, तो वो भी बरसात में करना है, क्योंकि इनकी मेटिंग बरसात में होनी है, इनकी एग लेइंग बरसात में होनी है, और वो होनी भी बेसन में है आपकी. आप क्लोरो यूज कर सकते हो, जो डर्मेट वगैरह हम यूज करते हैं वो यूज कर सकते हो, डबल डोज में यूज करना है आपने, मतलब जहाँ पे 400 ml स्प्रे के लिए करते हो, 800 ml से 1 liter आपने एक ही डर्मेट डाल के स्प्रे के लिए यूज करना है. इसमें हमारा एक प्रोडक्ट आता है लेसेंटा करके, लेसेंटा यूज कर सकते हो. ये कॉम्बी प्रोडक्ट है, ये 500 ml प्लस मीटर क्लोप्रेट का कॉम्बिनेशन है,
बहुत महंगा है, इसलिए मैं एडवोकेट यही करूँगा कि अगर आपको लग रहा है कहीं कि कुछ एरिया में आपके इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा है इसकी, तो आप उसके ऊपर पर करना है वो भी बरसात में, आपने उसकी ट्रेंचिंग बरसात में करनी है। एक सुमिटोमो का केमिकल आता है, क्या नाम है, डिंटासु करके, वो भी आपको, वो भी थोड़ा महंगा प्रोडक्ट है, उसको यूज कर सकते हो। नहीं तो एक बायो प्रोडक्ट है बवेरिया करके, एक बेसियाना ये फंगस है, आप इसको यूज कर सकते हो। ये इसका काम करने का भी यही तरीका है कि जितना ज्यादा ये भी कभी काम करेगा अगर आपके बायो प्रोडक्ट्स आपके उनके नीचे जड़ों में, अगर केमिकल ही केमिकल नीचे होगा ना ये भी नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए बायो चीजें अगर आपकी नीचे होगी तो ये भी बढ़ेगा। सपोज आप लोगों का वो ट्रेवल कर रहा है, क्या नाम, कीड़ा ट्रेवल जो ग्रब है ना इसका, रूट बोरर का, वो ट्रेवल कर रहा है, तो जब ट्रेवल करते हुए उसको टच करेगा, उस फंगस को टच करेगा, तो वो फंगस क्या करेगा, उसको इन्फेक्शन आ जाता है उसमें बोरर में, और वो धीरे धीरे करके मर जाएगा। अगर आप लोग वो देखे भी हो ना, अगर कहीं आप ऐसे नेचुरल भी होते हैं ये हमारे खेतों में ना, तो इसके सिम्टम्स पता लग जाते हैं, जो ग्रब होता है ना उसका सिर्फ मुंडी रह जाती है ऊपर, बाकी जो पिछला पोर्शन है ना वो बिल्कुल पतला हो जाता है बिल्कुल ही, मतलब जो बोलते ना कि किसने पंचर कर दिया, वो पंचर की तरह होगा बिल्कुल पीछे से हुआ, और इसके सिर ही होगा ऊपर बचा हुआ, ये उसका अफेक्ट करने का। अगर ऐसे किसी के ऑर्चर्ड में नजर आ रहा है तो आप मतलब नेचुरली वो पैरासाइट जो है उसका वो है आपके ऑर्चर्ड में, नहीं तो मार्केट में मिलते हैं, उसकी ड्रेंचिंग आप लोग करनी पड़ेगी, वो भी आपको गर्मी के वक्त या बरसात के वक्त जब एडिक्वेट मॉइस्चर होगा ना तब करनी पड़ेगी उसमें। इससे फायदा ये होगा कि उस टाइम वो 5 से 10 इंच के आसपास है सारी फीड करे, तो वहाँ आपका उसके टच में आ सकता है, तो यूज कर सकते हो आप उसको। ये है बोलिया पड़ के लिए कंट्रोल के लिए। और एक पिपरी बाग कैंकर के बारे में, पिपरी बाग कैंकर पता क्या ना, इसमें आप एज सच जितने भी कैंकर्स हैं, कोई हम ये नहीं बोल सकते कोई भी कंपनी वाला कि कोई भी मतलब आदमी की ये आप स्टीक उपाय है इसका, यही आप कर लोगे तो हो जाएगा। पिपरी बाग कैंकर बेसिकली जो आपके सेल्स होते हैं ना, जब वो डिजिटलिया फट जाते हैं ना उन सेल्स को, उसके कारण होता है वो। ऐसे फंगस भी है बेसिकली, फंगस भी ये रीजन है, मतलब 2-3 रीजन है इनएडिक। एक ही शूट पे अगर आप बहुत सारे कट्स मारते हो ना स्ट्रेस के, उसमें स्ट्रेस की कंडीशन के कारण भी ये पेपरी बाग कैंकर बनता है। पहले धीरे धीरे करके वो बाहर निकलनी शुरू होगी, वहाँ फंगस आएगा आपका, वो पेपरी बाग का रूप ले लेता है। इनिशियली सिर्फ वो आपकी बाग में जो सेल्स है वो कैल्शियम की मूवमेंट बिल्कुल नहीं होती है, बहुत 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 स्लो मूवमेंट होती है, खुद से वो बिल्कुल नहीं मूव करता है, वो सिर्फ वही मूव करेगा जहाँ पे आपका पानी पड़ेगा। इसके लिए आपको कोशिश करो कि जब भी चूना डालते हो तो उसको आपको पानी इसके साथ मिला लो, क्या नाम, सॉयल के साथ मिला लो। और सॉयल के साथ मिलाने से क्या होगा कि वो चारों तरफ से सॉयल से गिरा होगा, जहां जहां भी वो सॉयल से टच होगा वहां वो अपना क्या नाम जो एसिडिक सॉयल है उसको न्यूट्रल बनाने की या अल्कलाइन बनाने की कोशिश करेगा, वहाँ पे अफेक्ट करेगा। तो आपको सबसे पहले रूट रॉट के लिए आपको अपने सॉइल का पीएच होना जरूरी है, उसके बाद आपको इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें भी हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, मतलब कुछ बैक्टीरिया आते हैं, फंगस आते हैं, वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज एक हमारा मॉलिक्यूल आता है एलियट के नाम से, एलियट है, आप लोगों को मतलब ड्यूरिंग द सीजन, एक सीजन में आपको 3 बार उसका यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अभी जब आप आधी इंच की पत्ती निकलती है बाहर, इस वक्त आपने ड्रेंचिंग करनी है उसकी, जिसकी जो क्वांटिटी है ड्रेंचिंग के लिए ये 600 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी जाएगा, 600 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी जाएगा। और एक बड़े पौधे में, मेच्योर पौधा, अगर बहुत बड़ा पौधा है, 30 साल से ऊपर का पौधा है, उसमें लगभग 30 लीटर पानी डालना है आपने एक पौधे में। अगर ठीक पौधा है, छोटा पौधा है, तो आप लगभग 15 लीटर, अगर बिल्कुल ही छोटा पौधा है तो आप 5 लीटर पानी से भी काम चला सकते हैं। यूज करने का मेथड क्या है, आपका जो बेसिन है, जो प्रॉपर बेसिन है, बेसिन पे आपने जब्बल के सारे 5 से 6 या 7-8 गड्ढे बना देने हैं तौलिए में, ठीक है, तौलियों में गड्ढे बनाओगे, उसमें आपने वो पानी फीड करना है, और कुछ पानी आपने जो आपका तना है तने के पास भी डालना है। अगर आप 30 लीटर पानी या 20 लीटर पानी एक तौलिए में डाल रहे हो तो कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपने तौलिए तने के पास डालना है, बाकी आपने पूरा बाहर रखना है। कंडीशन एक है कि आपका मॉइस्चर होना अवेलेबिलिटी जरूरी है, क्योंकि जब तक सेचुरेशन नहीं होगी ना नीचे प्रॉपर सेचुरेशन नहीं होगी तब तक कंट्रोल नहीं मिलेगा। आपका मॉइस्चर होना जरूरी है, अगर मॉइस्चर नहीं है तो वहाँ पे तो आप क्या करो, पहले दिन आप वहाँ पे पानी की वो
ड्रेंच को पानी से ड्रेंच करो, वैसे गड्ढे खोद के पानी से ड्रेंच करो, सेकंड डे आप ट्रीटेड जो सोल्यूशन है उससे ड्रेंच करो। ये आ गया नंबर एक, है ना। दूसरा, इसी में क्या करना है आपने, आपकी हमारी डोकरियां होती है बनी हुई, है ना। सपोज एक आप इस पौधे में, हम पिछली डोकरी में इसमें ये हमारे को लग रहा है कि इसमें रूट रॉट की दिक्कत है, तो आपने क्या करना है, बरसात के कारण जो जहां जहां आपको लगता है कि यहां पानी आया था तो यहां से ये फ्लो बनता है अगले पेड़ के लिए बनता है, तो वो अगला वाला जो पौधा है ना उसको भी ट्रीट करना है। क्या होता है कि जो बरसात से जो इसका फंगस है वो मूव करता है पानी के सारे, पानी से वो आगे को मूव करता है, जहां जहां वो पानी जा रहा होगा ना वो भी उसमें भी इन्फेस्टेशन होगी, उसमें भी इन्फेक्शन आएगा। तो आप अगर 20 लीटर पानी आपने इन्फेक्टेड पौधे में कर रहे हो तो 5 लीटर पानी उसमें भी डालो, वो ट्रीटेड पानी जो है जो अगला वाला पौधा है उसमें भी डालो, ताकि अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम होगी या वहां पे वो फंगस कैरी फॉरवर्ड हुआ है तो वो भी वहां मर जाए। क्योंकि पहला जो ट्रेंचिंग करना आपने पहले सीजन में, फिर इसी सीजन में आपका जब मटर के दाने के बराबर हो जाएगा ना, मटर के दाने से अखरोट के दाने के बराबर हो जाएगा, यही चीज इसी क्वांटिटी में एलईटी इसी क्वांटिटी में आपने स्प्रे करना है। मैंने आपको मोमेंटो ओडी के बारे में बताया था कि इसकी सिस्टेमिसिटीज जो है दोनों तरफ है, ऊपर को भी जाता है नीचे को भी मूव करता है। एलईटी इकलौता ऐसा फंजीसाइड है जिसकी सिस्टेमिसिटी भी ये ड्यूल सिस्टेमिसिटी है, ये भी दोनों तरफ को मूव करता है। अब ये क्या करेगा, जब आप स्प्रे करोगे ना ये मतलब एक इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है इसके, यानी जो फाइटोफ्थोरा फंगस है उससे लड़ाई करने की क्षमता इसकी बढ़ जाती है, जिसके कारण ये रूट रॉट होता है। ये जब आप ऊपर स्प्रे करोगे तो जड़ के कोने तक जाएगा और वहां एक लेयर बना देगा प्रॉपर सी लेयर, जब एक प्रॉपर लेयर बनेगी तो जो फंगस होगा वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा अंदर, एक नेचुरल इम्यून सिस्टम इंक्रीज हो जाएगा उसका। वो आपको सेकंड है आपको स्प्रे करनी पड़ेगी इस स्टेज पे, करनी आप एलईट की इसी की करनी आपको तभी है उसी अगर दो पौधे आपको नजर आ रहे हैं तो दो पौधे भी करनी, जरूरी नहीं आपको पूरे सब जगह रखना, उस वक्त आप पेट्रोफॉल की जो स्प्रे करते हैं ना उन दो पौधों पर अवॉइड भी कर सकते हो अगर आप ये एलईटी स्प्रे कर रहे हो, क्योंकि जो दूसरी बीमारियां है उसके ऊपर भी ये अच्छा कंट्रोल देगा। फिर तीसरी चीज है बरसात, तीसरा जो एप्लीकेशन होना है वो बरसात में होना है। बरसात में आपने सेम जो मैंने आपको अभी ड्रेंचिंग के लिए बताया था यही रिपीट करना है आपने बरसात में ड्रेंचिंग के लिए, पर उसके बाद मतलब ये तीन एप्लीकेशन आपको करनी पड़ेगी लगातार दो साल के लिए। अगर आप करते हो पहली साल ही आपको नजर आ जाएगा आपके जो ग्रोथ में जो फर्क है ना वो पहली साल नजर आ जाएगा, सेकंड ईयर आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स नजर मिल जाएंगे इसको, और दो साल आपको कंटिन्यू करना है, करना भी उसी प्लॉट पे है जहां आपका दिक्कत है। अगर इनके ज्यादा है ना तो एक बार देखो जरा, है ना, ये आपने तो नहीं ये वो आप ये यूज कर सकते हो, ये मतलब बहुत इफेक्टिव है फाइटोफ्लोरा, एक्सक्लूसिवली फाइटोफ्लोरा। आप एक बार रेक्टिफाई खोल के जरूर देख लेना कि रूट रॉट बेसिकली होता कहाँ है, एलईटी से ट्रीटेड प्लांट ना मैंने उस तरह भी देखे जो मतलब 80 मर चुका था ना जो प्लांट है वो प्लांट ही मतलब वापस आ गया रिदम में आ गया। नहीं सर, एलईटी नहीं किया था, वो क्या था, रिडोमिल किया था।